हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सप्लोसिव क्या होता है और क्या क्या कंस्टिट्यूएंट ऐड करते हैं कि एक एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, और उसको पूरा डायग्राम से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, और हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक्सप्लोसिव के कोई भी एग्ज़ाम में। ओके, तो हम लोग पूरा चार्ट बना के देखेंगे, फ्लो चार्ट, कैसे एक्सप्लोसिव काम करता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग बने रहिए, जिसको कुछ भी नहीं नॉलेज है उसको भी एक बार में समझ में आ जाएगा, बस आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोसिव क्या होता है और हाउ इट वर्क, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट इज नीडेड टू ऐड इन इट टू मेक एक्सप्लोसिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लोसिव क्या होता है। देखिए कि एक्सप्लोसिव ना, एन एक्सप्लोसिव इज अ सॉलिड और अ लिक्विड सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस विच चेंज देमसेल्फ इंस्टेंटेनियसली इनटू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट अ high temperature and pressure when flame, heat or sudden shock, that means detonation, is applied to it। इसका कहने का मतलब ये है ना कि एक्सप्लोसिव सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सर भी हो सकता है, जो चेंज कर देगा खुद को इंस्टेंटेनियसली तुरंत लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज में एट हाई टेम्परेचर एंड आपका प्रेशर में, ठीक है, जिससे आपको कब जब आप उसको शॉक देंगे या फिर हीट देंगे या फिर फ्लेम देंगे तब, ठीक है। तो ये है आपका डेफिनेशन, हाउ इट व्हाट इज एक्सप्लोसिव, ठीक है। और आइए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्सप्लोसिव में ऐड करने हैं कंस्टिट्यूएंट जो एक्सप्लोसिव जिससे बनता है। हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज़ डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले बता दूं कि आपको कोई भी चीज़ को, मान लीजिए एक्सप्लोसिव को सरफेस पर, अगर सरफेस पे जलाना है, ठीक है, तो सरफेस पर जलाने के लिए आपको एटमोसफेयर से ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, एटमोसफेयर से ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। लेकिन वही एक्सप्लोसिव को अगर हम लोग एक होल में, ब्लास्ट होल में डालकर फोड़ेंगे तो उसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाएगा, वो कैसे जलेगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए एक बॉक्स बना दिए, बॉक्स के अंदर एक्सप्लोसिव डाल दिए और उसमें हम लोग जला दिए, तो एक समय तक वो जलेगा लेकिन ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद ना वो जल नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है बेंच वाले में, ठीक है, कि इसको ऑक्सीजन देने के लिए क्या हम लोग इसको ऑक्सीजन देने के लिए हम लोग ऐड करेंगे ऑक्सीडाइजर, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ब्लास्ट होल में, कन्फाइंड प्लेस में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एज ए डायग्राम कैसे काम करता है एक्सप्लोसिव और क्या क्या कंस्टिट्यूएंट लगते हैं एक्सप्लोसिव बनाने में, ठीक है। देखिए, ये फ्यूल है, तो फ्यूल कैसे जलेगा, फ्यूल को जलाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये हम लोग दे रहे हैं ऑक्सीजन, ये एरो ऑक्सीजन को शो कर रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो डाल दिए, तो इसको अब बर्न भी कराना है, तो हमको बर्न कराने के लिए रैपिड बर्निंग होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए केवल, रैपिड बर्निंग होना चाहिए। तो रैपिड बर्निंग के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं ये सेंसिटाइजर, ये प्लस सेंसिटाइजर है जो रैपिड बर्निंग कराएगा, हमको तुरंत जलाना है, यूजफुल वर्क कराना है, ठीक है। चलिए, तो ये प्लस वाला साइन सेंसिटाइजर को शो करता है। ओके, अब देखिए, अब ये सर्कल जो मैं बनाऊंगा, ये सर्कल शो करेगा एनर्जाइजर को, ठीक है। ये सर्कल देखिए, ये सर्कल मैं बना देता हूँ, तो ये सर्कल जब हम लोग डालेंगे, ये सर्कल का काम क्या है, ये है एनर्जाइजर। एनर्जाइजर का काम क्या है, वो एक्सप्लोसिव को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ये यूजफुल वर्क कर पाए,
ठीक है, हमको जस्ट जलाकर छोड़ना नहीं है, हमारा काम क्या है उसको फोड़ कर रॉक को या फिर कोल को वो एक्सप्लोड करके फ्रेगमेंटेड करें, फोड़ दें, उसके लिए हम बना रहे हैं। चलिए ये देखिए डॉटेड लाइन क्या शो करता है, ये डॉटेड लाइन वो शो करता है ना कि ये आपको इमल्सिफायर कहते हैं इसको, इससे क्या होता है ये जेलिंग लाइन स्टार्च जिसे बोलते हैं बोल सकते हैं आप, और इमल्सिफायर भी बोल सकते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो पूरा एक्सप्लोसिव को बांध। आप देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एरो का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, सर्कल का मतलब क्या है, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरा हो गया कंप्लीट एक्सप्लोसिव कैसे बनता है, ये पूरा क्या क्या कंस्टिट्यूएंट ऐड करते हैं ये शो कर रहा है, ठीक है। और एरो का मतलब क्या है मैं लिख दे रहा हूँ आपको, एरो का क्या काम है और काहे को हम लोग देखिए, एरो का मतलब है ऑक्सीडाइजर, तो फ्यूल में ऑक्सीडाइजर मिलाएंगे, ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, हमें ऑक्सीजन देगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजर काम यही होता है। ये प्लस क्या है, सेंसिटाइजर, ठीक है, जो रैपिड बर्निंग कराएगा एक्सप्लोसिव को, ठीक है, सेंसिटाइजर, ठीक। आप देखिए सर्कल क्या शो करता है, सर्कल शो करता है हमें एनर्जाइजर, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है एक्सप्लोसिव को कि और स्ट्रॉन्गली वो फूटे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए ये है डॉटेड लाइन, इसे कहते हैं इमल्सिफायर, ठीक है, ये बाइंड करके रखता है पूरे एक्सप्लोसिव को अपने अंदर, ठीक है, आप स्टार्च भी बोल सकते हैं उसको एक तरह से, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कंस्टिट्यूएंट क्या क्या जरूरी होता है ये पूरे एक्सप्लोसिव को बनाने में, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कंस्टिट्यूएंट क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है, फ्यूल, फ्यूल में क्या क्या ऐड करते हैं, एज ए डीजल ऑयल, चारकोल, वुड एक्सेट्रा, ये फ्यूल के रूप में हम लोग एज ए यूज कर सकते हैं इसको। और देखिए ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर में क्या है, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, ये जितने नाइट्रेट कंपाउंड है ना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, ठीक है, फ्यूल को, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजर, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लीजिए एक कन्फाइन होल में आप एक्सप्लोसिव डाले हैं तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ये नाइट्राइड कंपाउंड, ओके, समझ गए ना। तो चलिए आइए हम देखते हैं एनर्जाइजर क्या होता है, मेटालिक पाउडर एक्सेट्रा, मेटालिक पाउडर जो होता है ना ये एनर्जाइजर का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग बनाए एक्सप्लोसिव को और स्ट्रॉन्ग कर दे, जिससे एक्सप्लोसिव और स्ट्रॉन्गली एक्सप्लोड हो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजर का काम क्या है, ओके, देखिए सेंसिटाइजर काम क्या है, रैपिड बर्निंग कराना, तुरंत जलाना, ठीक है, हमको नॉर्मल नहीं जलाना है, हमको स्पीड से जलाना है जिससे यूजफुल वर्क हो, फटाक से फूटे, जिससे आपका डेटोनेशन प्रेशर शॉक लगे और रॉक कोल फ्रेगमेंट हो पाए, ठीक है। इसमें एनजी यूज करते हैं, टीएनटी यूज करते हैं, पीटीएन यूज करते हैं सेक्टर, ठीक है। अब देखिए मिसलेनियस कंपाउंड क्या है, मिसलेनियस कंपाउंड में है थिकनर, इमल्सिफायर, स्टार्च सेक्टर, ये सारा चीज हम लोग एज ए बाइंडिंग बाइंडिंग इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जो बाइंड करता है पूरा एक्सप्लोसिव को, बाइंड करके रखता है पूरा कंस्टिट्यूएंट को, ठीक है, थिकनर, इमल्सिफायर, स्टार्च, ये सारा चीज ये है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे कि हाउ एक्सप्लोसिव इज क्या मैकेनिज्म काम करता है एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोजन के समय, ठीक है। अब देखिए चार्ट, देखिए फ्लो चार्ट क्या बताता है, ये कैसे इट वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप एक्सप्लोसिव है, ठीक है, अब इस एक्सप्लोसिव को हम लोग इग्नाइट कराएंगे, ठीक है, इसको हम लोग हीट दिए या फिर शॉक दिए या फिर डेटोनेशन या फ्लेम दिए, कुछ भी दिए, ठीक है, ये इसको इग्नाइट कराया, ठीक है, ये इग्नाइटेड, ठीक है, इग्नाइट हो गया। अब इग्नाइट होने के बाद उसको क्या क्या देगा वो देखते हैं हम। इग्नाइट होने के बाद ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करने के बाद ये अपना क्या प्रोड्यूस करेगा वो देखते हैं हम लोग।
ये प्रोड्यूस करेगा, सेल्फ जलने के बाद क्या होगा, सेल्फ कंबसन होने लगेगा इसका, ठीक है, सेल्फ कंबसन और सेल्फ प्रोपोगेशन और डिकम्पोजिशन होने लगेगा, ठीक है, ये एक्सप्लोसिव का, ठीक है। इसके होने के बाद ये क्या देगा हमें वो देखते हैं हम, जब तुरंत खुद से जलने लगेगा और प्रोपोगेशन होने लगेगा, डिकम्पोजिशन होने लगेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा हीट, हीट देगा। तो हीट देने में कौन सा रिएक्शन होता है मालूम है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सप्लोसिव बर्न होता है तो कौन सा प्रोसेस से हीट निकलता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, आप ध्यान रखिएगा एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलता है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लोसिव बनने में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हीट प्रोड्यूस होगा ना तो उसमें क्या क्या निकलेगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये होगा हायर टेम्परेचर निकलेगा, ठीक है, उसके साथ क्या निकलेगा आपका, हाई प्रेशर के साथ निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कि हीट प्रोड्यूस होने के साथ क्या होगा, टेम्परेचर हाई प्रेशर में निकलेगा और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक है, उससे क्या क्या होगा, पहला क्या मिलेगा हमको कि ये मिलेगा आपको शॉक वेव मिलेगा, ठीक है, इससे एक शॉक क्रिएट होगा, स्ट्रॉन्ग शॉक वेव क्रिएट होगा, और उससे क्या मिलेगा, एक और चीज़ मिलेगा हमें, वो है आपको ग्रेस गैस प्रेशर, ठीक है, जो यूजफुल वर्क करेगा रॉक को कोल को फोड़ने के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट चार्ट है आपका एक्सप्लोसिव पे, ठीक है, हाउ एक्सप्लोसिव इज वर्किंग, ओके। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से मेनली फॉर्म होते हैं, क्या क्या फ्यूल में यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजर में कौन से कंपाउंड यूज़ करते हैं, एनर्जाइजर काम क्या है, इसमें कौन से कंपाउंड यूज़ करते हैं, सेंसिटाइजर का काम क्या है, कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं, और मिसलेनियस कंपाउंड में क्या क्या यूज़ होता है, ये सारे चीज़ यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो चलिए ये सब याद रखिएगा, कौन से कंस्टिट्यूएंट किस में आते हैं, ऑक्सीडाइजर में कौन सा कंपाउंड आता है, एनर्जाइजर का काम क्या होता है, और ये फ्लो चार्ट भी याद रखिएगा इससे क्या होता है, और क्वेश्चन यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा कि कौन से रिएक्शन से एक्सप्लोजन होता है एक्सप्लोसिव में, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। ये पूरा डिटेल वीडियो है आपको एक्सप्लोसिव पे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग कंसेप्चुअल, बने रहिए आप लोग माइनिंग कंसेप्चुअल के साथ लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के लिए, जो कंसेप्ट दूर करेगा आपका, कोई भी चीज़ कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा माइनिंग में, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग कंसेप्चुअल।